महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर मंगलवार को समूचे ब्रज मंडल के सभी शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता दिखाई दिया। सभी श्रद्धालुओं के द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना की गई, तो हर मंदिर पर श्रद्धालुओं का सैलाब दिखाई दिया। इसी क्रम में शहर में भूतेश्वर मंदिर पर श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें दिखाई दी, तो वही सभी श्रद्धालु विधि विधान से पूजा करते हुए भी नजर आए। तो वही सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल भी तैनात रहा। वहीं गोविंद नगर स्थित गलतेश्वर मंदिर पर भी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा और बाबा भोलेनाथ पर विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। जेहर चलाने वाली महिलाओं की भी अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। इसी के चलते होली गेट के समीप रंगेश्वर मंदिर पर बाबा श्री रंगेश्वर नाथ का जलाभिषेक बड़े ही विधि विधान से किया गया। इस मौके पर सभी श्रद्धालुओं द्वारा पूजा अर्चना की गई। महाशिवरात्रि के पर्व पर दूर दराज से लोग गंगा जी से जल भरकर लेकर जाते हैं और बाबा भोलेनाथ पर गंगा जल से जलाभिषेक करते हैं। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने बताया कि महाशिवरात्रि के त्योहार पर सुबह से ही उपवास रखकर विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। आज ये हमारा बहुत ही बड़ा सौभाग्य है जो महाशिवरात्रि पे हम लोगों ने व्रत रखा है और भोले बाबा की इतनी कृपा है कि जो आज हम कांवड़ लेके आए और ये सौभाग्य हमें हमारे भाई साहब उनकी तरफ से हमें मिला है, क्योंकि इसी सौभाग्य से ही हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसे हमें उनके पावन दर्शन होंगे। सभी भक्त रंगेश्वर महाराज का दर्शन करने आए हैं और हमें भी भगवान ने इतनी भीड़ में बुला लिया। हर साल शिवरात्रि इसी तरह से आए सब लोग यहाँ पे कांवड़ चढ़ाने, जियर चढ़ाने सब आए हैं। बहुत अच्छा लगा, महादेव के मंदिर में इतनी भीड़ में भी इतने अच्छे दर्शन हुए कि भगवान ने बुलाया और हम चले आए। बहुत बढ़िया, भोलेनाथ के दर्शन हो जाए, सबको कृपा बनी रहे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। टीम नवोदय टीवी।